दू झोरा दवा है दोस्तों, और इसको एक टाइम में 3 से 4 सुई लग रहा है। सुबह को अलग सुई, शाम को अलग सुई लग रहा है। 3 सुई सुबह 3 सुई सुबह 6 दिन में दोस्तों। यहाँ पे देखिए रिया को लिट्टी गढ़ने के लिए बता रही है कि रिया को कि कैसे लिट्टी गढ़ा जाता है। लिट्टी तो गढ़िया लेती है, लहसुन नहीं छील पाती है, लहसुन नहीं छील पा रही है। न चाकू ली हो तब भी ऐसे कह रही हो क्या? यहाँ मिठाई है, तो यही सब चीजें हैं। तुमको सीखना जरूरी नहीं है, तुमको ससुराल अभी नहीं जाना, बहुत टाइम है, ठीक है? क्या कर रही छन छन कर रहे दोहनगढ़ जिसको करना है वो छू ही नहीं रहा है। तो दोस्तों आज हम फाइनली देखिए बना रहे हैं लिट्टी चोखा दाल। और यहाँ देखिए दोस्तों एक चीज आप लोगों से बता दे, आज हमारे घर सुबह से खाना नहीं बना है। क्या कर रहा नहीं बना है दोस्तों? नहीं बना है तो नहीं बना है, अब बन दोस्तों। थोड़ा बहुत हम लोगों में खेल रहे थे, दिन भर मस्ती कर रहे थे, मजाक कर रहे थे दिन भर, इसीलिए दोस्तों आज हम लोग एक कमरे में सोई थी, एक कमरे में सोई थी और एक कमरे में हम सोए थे। दोपहर से हम पूरा अच्छा धोए थे, पूरा अच्छा था धोए, इतना परत माटी था दोस्तों, वो पानी बहवाना सब। कोई आम खा के है आज, कोई केरा खा के आए, सब्सक्राइबर लोग जो केरा लेके आते हैं, आम लेके आते हैं, वही केरा आम आज। हाँ हम भी, लेकिन ज्यादातर हमारा थोड़ा सा था और सब्सक्राइबर का ज्यादा था, तो सब्सक्राइबर का आम बहुत लोग खाए हैं, केरा भी खाए हैं बहुत से लोग, केरा और आम खा के आज जिंदा हैं। और दोस्तों आज गैस खत्म हो गया है तो हमारे घर चूल्हे पे बन रहा है दाल, और दाल वो भी किसमें, भगवने में बन रहा है दाल। कुछ नहीं दोस्तों, गैस वैस नहीं खत्म हुआ है, तब कहाँ बना रही है इतना गर्मी में। एक मिनट वाला भदेली नहीं है दोस्तों, नहीं तो भदेली में बनता, वो भी गोईठे वाले उपले वाले आँच पर, आरा पर लिट्टी दाल चोखा, क्योंकि दोस्तों आरा पर का दाल बहुत अच्छा होता है। तो हम सोचे नहीं भगवान भदेली है तो भगवाना है, चूल्हे पर बना लेती हूँ। दिन भर दोस्तों हम लोगों में झगड़ा हुआ था, भात भात खाओगी, रोटी नहीं खाओगी, एक गिलास डाल देना चाहिए। क्या करें बेटा, हम भात खाते हैं, लिट्टी नहीं खाते। एरिया तुमको क्या पसंद है, लिट्टी की भात? ये बगैर खाए तो चटनी है दोस्तों, इसको बस बिस्कुट चाहिए। एक ये है और एक ये है, ये दोनों खाना नहीं खाती है, दोनों देख लीजिए कैसे दोनों एक ही खान लग रही है। चोखा दोस्तों तैयार हो गया, देखिए यहाँ पे बहुत ही गजब चोखा बना है दोस्तों, एकदम मुंह में पानी आ जा रहा है। क्या कर रही हो? लिट्टी चोखा दाल खाते, दाल और चोखा और लिट्टी। लिट्टी दोस्तों यहाँ पे है, देखिए आप लोग यहाँ पे लिट्टी, और लिट्टी के साथ साथ दोस्तों घी भी है यहाँ पे, देखिए दोस्तों लिट्टी है, लिट्टी के ये घी है, इसमें पोताएगा तब खवाएगा दोस्तों। और तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, खाना पीना मतलब खाना मेरा बन चुका है, अभी खाने की तैयारी कर रही हूँ। और दोस्तों आप लोग से एक बात और बता दूँ, आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे अग्नि का क्या हाल है, अग्नि कहाँ है, कैसे हैं। तो दोस्तों सोची हूँ कि आप लोगों को मिला ही देती हूँ, क्योंकि आप लोग भी बहुत परेशान हैं, मुझे पता है जितना प्यार मैं करती हूँ अग्नि से उतना आप लोग भी करते हो। दोस्तों आप में पता नहीं क्या पड़ गया जी, जल्दी महादेव बाबा नहीं नहीं कुछ पड़ल किरोना सही होगा बड़वा ले आदि सब्जी का लाइयो बेटा दाल। अच्छा दाल लाइयो, दाल और लिट्टी और चोखा दोस्तों बना हुआ हमारा, चावल भी बना है, चावल भी बना हुआ है। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि अग्नि का बात आप लोगों को बता दें, अग्नि का देखिए दोस्तों हम बता देते हैं आप लोगों को, अग्नि एकदम समझिए मौत के मुंह से बाहर आया है, अभी भी इसका हालत आप लोग देख सकते हैं, दोनों टाइम सुई लग रहा है। ये कैसे ये हैंड प्लास्टर क्या हुआ है, नहीं माना है, जाके नहा लिया है, और मैं बोली हूँ पत्नी लपेट ले तो नहीं सुनाई दिया तुमको है। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं अग्नि यहाँ पर बैठा हुआ है हमारे साथ, आप लोग बता दो दोस्तों उसके पेट में कुछ इन्फेक्शन टाइप का अभी फिलहाल अभी भी है, और
कोमा में चला जो दवा है अभी भी चल रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, लगातार 3 दिन इसको होश नहीं था, ये कोमा में चला गया था। इसके पेट में कुछ पॉइजन बन गया था, कोमा में चला गया था, इसको कुछ होश आवास नहीं था। थोड़ा सा मेरे पास वीडियो है, आप लोगों के पास डाल दूंगी, देख लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों वो हॉस्पिटल ऐसा था, वहाँ पे मोबाइल लेकर के अलाउड नहीं था। आईसीयू में, आईसीयू में था, और वहाँ पे आईसीयू में आप लोग तो जानते हैं मोबाइल का एक आदमी से ज्यादा जा ही नहीं सकते, मरीज को आप छू भी नहीं सकते हैं। मतलब वो लोग का बस चले तो आप छू भी नहीं पाएंगे, पूरा आपको पैक करके तब भेजते हैं। पूरा कपार में लगाना था, मुंह पे लगाना था, हाथ में लगाना था, तब जाके तो आपको अंदर भेजेंगे। तो यही सब था दोस्तों। और जिस दिन दोस्तों मेरा घर बन रहा था उसी दिन का ये बात है, आप लोग से बता दें। आप लोग बार बार कह रहे थे कि कैसी माँ है, इसको पता भी नहीं है कि इसके बेटे को क्या हुआ, सिर्फ रो रही है। दोस्तों जब हमें पता रहता तब ना हम आपको बताते, और जो पता था वो दोस्तों अभी हम वीडियो में बता नहीं सकते हैं, ये भी नहीं बता सकता, हम भी नहीं बता सकते हैं दोस्तों। हाँ, जरूरत पड़ी तो आप लोग को जरूर बताएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग का भी जरूरत हमें पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और हंस करके हर गम को पीना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों अग्नि का जो अभी सिचुएशन है, अभी इसका दवा कहाँ गई रे छन दवा लेके आना अग्नि का। अभी दोस्तों कल ही गया था अग्नि, पूरा दवा लेके आया है, पूरा दवा वगैरह लेके आया है। दो झोरा दवा है दोस्तों, और इसको एक टाइम में 3 से 4 सुई लग रहा है। सुबह को अलग सुई, शाम को अलग सुई लग रहा है, 3 सुई सुबह 3 सुई सुबह 6 दिन में लग रहा है। और देख सकते हैं फेस कैसा हो गया दोस्तों। कुछ भी हो दोस्तों, हमारे सामने सही सलामत खड़ा है। हम चाहते हैं दोस्तों हमारे बच्चों को कुछ ना हो, चाहे हमारी रिया हो, चाहे सिया, चाहे चंचल, चाहे अग्नि, चाहे दीपू, कोई भी हमारा बच्चा हो, सोनू, कोई भी हो, हम चाहते हैं हमारे बच्चों को नहीं हो कुछ। और कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि अग्नि के लिए इतना रो रही हो तो दीपू के लिए कितना रोगी। यार कमेंट आप लोग कैसे कर देते हो। दीपू आप मतलब एक माँ, एक जो माँ होती है ना, वो जो एक अंगुली होती है ना, ये अंगुली आप देख रहे हो, आप कोई भी अंगुली दबाओगे दर्द होगा ना, तो उतना ही दर्द किसी भी अंगुली को, चाहे इसको होता है चाहे इसको होता है। हमें गर्व है कि इन बच्चों की माँ है, भाभी माँ है। सब लोग कहते हैं कि इनका उम्र कितना है, इसे मतलब बहुत कुछ। और आप लोग को ये भी बता दो दोस्तों, जब हम हॉस्पिटल में मिलने गए थे ना, तो डॉक्टर भी हमसे पूछे कि आप बच्चे की क्या लगती हैं। और दोस्तों मैं रोते रोते उस मेरे मुंह से बस एक ही बात निकला कि मैं उसकी माँ हूँ। नीचे से ऊपर मुझे देखने लगा डॉक्टर, उसके बाद से मतलब अजीब वहाँ का सिचुएशन हो गया था। फिर दोबारा मैं गई मिली, और रात को गई थी मिलने के लिए, दीपू भी गया था। बोल जी, रात में हम लोग गए थे और शाम हो गया था तो मिले थे। आईसीयू में ऐसे रिकॉर्ड कैमरा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे प्राइवेसी होता है, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो इसको होश में आने के बाद से इसको बाहर ले जाया गया था, कुछ तब थोड़ा सा मैं वीडियो को रिकॉर्ड किया था। अच्छा भी नहीं लगता कि भाई दिक्कत में था और हम वीडियो बनाए। तो मान लीजिए हम तो वीडियो बनाएंगे, हम तो समझ सकते हैं कि यूट्यूबर है, बाकी दोस्तों लोग समझ नहीं पाते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं दोस्तों, तो इस कारण दिक्कत हो जाती है। और दोस्तों मैं बता दूं, मैं तो 3 दिन होश में नहीं था, लेकिन जब होश में आया तो मुझे पता चला है। अब मैं आप लोग को बता नहीं सकता हूं, मेरा तो कुछ नहीं औकात था, हम बेचारों में मेरे साथ ऐसा हादसा था, और ले जाकर भर्ती की, और भाभी जी को जब पता चला तो दोस्तों हम क्या बताएं, आज मैं जिंदा हूँ, चाहे जो भी बैठा हूँ, तो सिर्फ समझिए अपने माता जी के दम पर हूँ मैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सब लीवर की दवाइयाँ हैं, देख लीजिए यहाँ पे सब लीवर की दवाई है, सब पेट का लीवर। मैं अब बहुत, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कभी कर्जा मैं कभी भर नहीं सकता, मैं अभी इसके आगे नहीं मैं खाना खा सकता हूँ दोस्तों। कब खाओगे? आज इन्हीं का दिन है कि मैं आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ और ठीक हो गया, तो सबसे पहले मैं अपनी माँ के पास ही आया हूँ, हॉस्पिटल से जैसे डिस्चार्ज हुआ हूँ या पाया हूँ, ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ अभी। दोस्तों इसकी मम्मी भी बोले हैं कि बहनी अपने पास रखिएगा, कहीं उसको जाने मत दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों दुश्मन भी बहुत सारे हैं इसके, और समझ सकते हैं आप लोग। क्या ही बताएं आप लोगों को, कुछ बातें ऐसी होती है जो हर चीज हम लोग वीडियो में नहीं बता सकते हैं, प्राइवेसी होती है, प्राइवेसी होती है जो नहीं बता सकते हैं। तो फिलहाल में जितना सेफ ये मेरे पास है उतना कहीं सेफ नहीं रह सकता है, यही सब बात है। और दोस्तों आगे जो भी मतलब होगा हम आप लोगों को बताएंगे, लेकिन दोस्तों जो जान बचाने वाली बात है ये सब कुछ नहीं होता है दोस्तों, दिल का फीलिंग होता है। अगर हमारे पास पैसे नहीं होता तो भी हम कहीं से कर्ज हम काट के कहीं से कुछ भी करके उसका जान तो बचाते ही, चाहे इसका जान होता चाहे इसका जान होता। जब जान पे आ जाती है दोस्तों ना, तो एक माँ अपने बच्चे के लिए अपना किडनी गुर्दा फेफड़ा बेच देती है, वो तो पैसे की बात है। चलिए इस दोस्तों इस वीडियो को में हमारे महादेव जी कैमरा पकड़े हुए हैं, बोल दीजिए कुछ आप भी।
दोस्तों इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं, बहुत थके हैं, भूख लग रहा है, बहुत दिन के बाद लिट्टी और चोखा बना हुआ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई सोच के साथ। नई सोच नहीं, नई लिट्टी के साथ, अभी पुरानी लिट्टी है, इसको भूख लगा है, ये तो खा रही है। शुद्ध शाकाहारी खाने के लिए ज्यादा तेल मसाले, इसलिए लिट्टी चोखा लगा है और लिट्टी चोखा हम खा रहे हैं। हाँ देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा भोजन भी है ये। पापा चैनल खुद वीडियो बना के आ गए हम। ये शूटिंग करके आ गई दोस्तों, हीरोइन है ना, शूटिंग करने गई थी। देखिए भाई बहुत अच्छा।